तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग रिव्यूज़ में। और आज मेरे पास है प्रोडक्ट जो कि है इंस्टेंट वाटर हीटिंग इलेक्ट्रिक फॉशेट, यानी तुरंत पानी गर्म करने का नलका। तो ये चलता है इलेक्ट्रिक से, तो देखते हैं कैसा है हमारा प्रोडक्ट। पहले इसके लिए हमें करना पड़ेगा बॉक्स ओपन, तो कर लेते हैं बॉक्स ओपन। ये है डब्बा और डब्बे के अंदर डब्बा और डब्बा है खाली। तो ये देखते हैं हमारा दूसरा बॉक्स, और इसमें यह है एक्चुअल प्रोडक्ट। इसमें लिखा है इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग वाटर फॉशेट, और बाकी नीचे लिखा है रशियन में, जो कि मुझे पढ़नी नहीं आती। और ये हमारा तीन इसके आइटम है, जिसमें से RX001 हमारा वाला है, और बाकी इधर आप रशियन देख सकते हैं, ऊपर इंग्लिश है। तो तीन तीन भाषाओं में दिया हुआ है। और इस साइड पर देख लेते हैं, यहाँ पर दी हैं कुछ डिटेल्स, जो कि है पावर कंजम्पशन कितना होता है, कितनी देरी में ये पानी गर्म कर लेता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी इसमें खूबियाँ क्या हैं, और किस पावर पे कितने वाट का है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इधर पे तीनों भाषाओं में हैं, रशियन और इंग्लिश तो मुझे समझ आती, एक और भाषा है वो मुझे नहीं पता है। तो बिना देरी करते हुए कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन, और देखते हैं कि असली में हमारा प्रोडक्ट है कैसा, कोई डैमेज तो नहीं है या फिर कैसा है। तो इसको कर लेते हैं ओपन, और ये हो गया ओपन, और निकाल लेते हैं जल्दी से अपने प्रोडक्ट को बाहर। और ये आ गया प्रोडक्ट बाहर, डब्बा डब्बा फिर से खाली। इसे करते हैं साइड में, और देखते हैं अपना प्रोडक्ट। ये है बबल रैप में आया हुआ है, अच्छा है, अच्छी पैकेजिंग की है इन्होंने, डैमेज होने के कम चांसेस हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी है इसके लिए, तो फिर एक लाइक बनता है। तो फिर अब इसको देरी ना करते हुए कर लेते हैं ओपन, और निकालते हैं अपना प्रोडक्ट। इसमें है दो चीज़ें, एक मिलता है हमें नोज़ल, जो कि है हमारा नलका, जो कि अटैच होगा हमारी मशीन से। तो ये है मेटल लग रहा है मुझे, लगभग मेटल की ही बॉडी है, बट कोई बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, ज़्यादा वज़न नहीं है इसमें। और इधर दो रबर की ग्रॉमेट लगी हैं, और ये जो है मेटल ही लग रहा है, पर काफ़ी हल्का है। जो नोज़ल है इसका, ये प्लास्टिक का है, हाँ बिल्कुल ये प्लास्टिक का है, काफ़ी हल्का और काफ़ी मतलब फ्रेजाइल लग रहा है, टूट सकता है, जैसे प्लास्टिक से बनाया है। ये थोड़ा मेटल का अगर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, मेटल की क्वालिटी थोड़ा बेहतर और ज़्यादा टिकती है काफ़ी टाइम तक। तो फ़िलहाल इसको रख देते हैं वापस, इसके कवर में डाल देते हैं इसको जल्दी से, और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट कैसा है। इसको निकालते कवर से बाहर, और ये भी ऑल प्लास्टिक बॉडी ही लग रहा है, इसमें मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। वैसे मुझे लग रहा था कि जो नॉब है ये मेटल का होगा, बट ये भी प्लास्टिक है, केवल मेटेलिक इसमें कोटिंग की गई है। और ये आ गया हमारा डिस्प्ले, जहाँ पर डिस्प्ले होगा कि हमारा कितना टेम्परेचर होना चाहिए। बाकी और भी काफ़ी प्लास्टिक है, और ये हमारा कनेक्शन के लिए दिया गया है, और प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, वायर जो है वायर भी काफ़ी क्वालिटी इसकी सही लग रही है, 1.2 मीटर का वायर लग रहा है मुझे ये, और ठीक ठाक लेंथ के लिए दिया हुआ है फोल्ड करके, और क्वालिटी अच्छी है, बुरी नहीं है, क्वालिटी सही लग रही है मुझे इस प्लग की, जैसे कि एक नॉर्मल होता है प्लग वैसा है। और बाकी हमारा ये प्रोडक्ट है, इस पर कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, और ये हमारा नॉब है, इसमें आवाज़ आती है किस तरीके से, ये एक बीच में एक पॉइंट है जहाँ पर ये रुक जाता है, वहाँ पर ऑफ रहता है। उसके राइट साइड में कोल्ड से कोल्डर वाटर मिलेगा, कोल्डर के मतलब जो नॉर्मल आपके पानी का टेम्परेचर है वो मिलेगा। और भी बाकी कई चीज़ें हैं इसमें दी हुई, जो कि है पैम्पलेट्स, और ये है सेफ्टी गाइड और यूज़र मैनुअल, और ये अच्छा तो ये कैशबैक के लिए दिया है कि अगर मैं इसका अच्छा रिव्यू करूँ और बेहतर रखूँ तो ये मुझे कैशबैक देंगे। बाकी ये है आपका सेफ्टी गाइड, इंग्लिश और रशियन दोनों में दिया गया है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही कि रशियन में क्यों दिया गया है। तो खैर, लगाने से पहले आप ये पूरी गाइड पढ़ लें और इसके हिसाब से ही लगाएं, क्योंकि प्रेशर ड्रिवन मशीन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अच्छा प्रेशर रहेगा आपके पाइप में, तभी जाके आपका जो है ये फॉशेट सही काम करेगा। बाकी एक और ये स्लिप दी गई है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो मैं लगाता हूँ इसके पैप इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद देखते हैं कैसा है। हेलो दोस्तों, आज मैंने ये लगा लिया है, और ये अटैच हो चुका है मेरे किचन में, और इस तरीके से मैंने इसका अटैचमेंट किया है। मुझे दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, कुछ सामान मेरे पास खुद था प्लम्बिंग का,
तो मैंने प्लमर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास सामान पड़ा है तो आप ख़ुद भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये करूँगा मैं सर राइट में, तो इधर आ रहा है कोल्ड वाटर और फिर ये एक बीच में पॉइंट है जहाँ ये रुक जाता है। उसके बाद इसे अगर आप लेफ़्ट में करेंगे तो ये चालू हो जाता है और ये आपको टेम्परेचर आप देख सकते हैं 17 है। धीरे धीरे गर्म होता है, 4 से 5 सेकंड लगते हैं जब पानी गर्म होने में, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर जितना अच्छा होगा उतना बेहतर ये काम करता है। जितना ज़्यादा आप इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे उतना ज़्यादा ये गर्म होना लगता है। जो इसका फिलामेंट है, जो इसकी कॉइल है, वो उतना ज़्यादा हीट करने लगती है। बट जितना ज़्यादा उधर करेंगे उतना तेज़ी से इसमें से पानी भी निकलता है। यानी प्रेशर अगर अच्छा हुआ तो आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी मिलता है। ये मोस्टली मेरे पास 50 डिग्री तक जाता है, लेकिन अभी आपके सामने देख सकते हैं आप ये 32-39 तक 40 तक चला जाता है। बट मैं वैसे ही यूजुअल उस पर ही 50 तक भी चला जाता है। और मेरे पास पानी का प्रेशर उतना अच्छा नहीं है, जो आप प्रेशर देख रहे हैं इससे कहीं अच्छा प्रेशर आपको चाहिए तभी ये सही काम करेगा आपके यहाँ। तो फ़िलहाल ऐसा इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।